आज फिर एक गरीब की थाली में पुलाव आया है। लगता है फिर से देश में चुनाव आया है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द धवल गिरी शो में। इस शो के माध्यम से हम नई नई चीजें जानते हैं और नई नई चीजें एक्सपोज करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी संवेदनशील है और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। आज का हमारा टॉपिक है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव में आप उम्मीदवारों का चयन कैसे करें। यह कैसे जाने कि आपके क्षेत्र में जो उम्मीदवार खड़े हैं, जो आपका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, वह योग्य है या नहीं है। आज के इस मीडिया जगत में और 24 घंटे जब हम सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, इसमें यह जानना बहुत मुश्किल हो गया है कि क्या रियल न्यूज़ है और क्या फेक न्यूज़ है, क्या सच है और क्या फेक प्रोपोगेंडा है। तो इस वीडियो से हम यही जानेंगे। इस वीडियो में आपको मैं आपको चार ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताना चाहूंगा जिससे आप निष्पक्ष रूप से यह चुनाव कर पाए कि आपका उम्मीदवार सही है कि नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मित्रों, पहला और सबसे आसान तरीका यह है कि आप इस वेबसाइट पर जाइए जिसका नाम है mynetainfo। इस वेबसाइट पर जाइए और अपने क्षेत्र का चुनाव करिए। उसमें आपको नाना प्रकार के उम्मीदवारों के नाम दिखेंगे। उन नामों पर क्लिक करिए। जैसे आप एक नाम पर क्लिक करते हैं, मैं उदाहरण के रूप से कोई भी सामान्य से नाम ले लेता हूं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जैसे नाम है घनश्याम दास बसु। इस नाम को सर्च करिए और इस लिंक को खोलिए। जैसे ही आप इस लिंक को खोलेंगे, इसमें आपको नाना प्रकार की जानकारियां मिलेगी। जैसे इस उम्मीदवार के पास कितने एसेट्स हैं, कितना धनवान ये व्यक्ति है। दूसरी आपको जानकारी मिलेगी या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या यह 10वीं पास है, 12वीं पास है, मास्टर्स किया हुआ है या अनपढ़ है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको पता पड़ेगी इस वेबसाइट के जरिए कि इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या हैं, इसने कितने प्रकार की ठगी करी है और सुप्रीम कोर्ट या दूसरे कोर्टों में इसके कौन कौन से केसेस पेंडिंग हैं या चल रहे हैं या खत्म हो चुके हैं। यह तीन जानकारियां मेरे हिसाब से बहुत ही आवश्यक है जानने के लिए और चुनाव करने के लिए कि आपका उम्मीदवार कैसा है। जब आप तीनों चीजें जान लेते हैं तो इसको कहीं लिख के रख लीजिए। इसका उपयोग मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। दूसरा तरीका और दूसरा और सबसे आसान तरीका है कि आप google.com खोलिए। गूगल एक सर्च इंजन है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। google.com खोलिए और आपके उम्मीदवार का नाम लिखिए, जैसे घनश्याम दास बसु। फिर स्पेस दबाइए और उसके आगे लिखिए स्कैम्स। स्कैम्स का मतलब होता है लफड़ा या कोई आरोप। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपको पहले और दूसरे और तीसरे पेज पर काफी सारी सब्जेक्टिव जानकारियां मिलेगी जिससे आप ये देख पाएंगे कि इस व्यक्ति से कौन कौन से स्कैम्स जुड़े हो सकते हैं। कुछ स्कैम साबित हो चुके होंगे या कुछ ही सिर्फ प्रोपागेंडा होंगे। दूसरी चीज जो आपको गूगल के माध्यम से सर्च करनी है वो है घनश्याम दास बसु स्पेस फिर मनी। जब आप मनी सर्च करेंगे तो आपको इस व्यक्ति के फाइनेंशियल एसेट्स और दूसरे प्रकार की नाना प्रकार की जानकारियां मिलेगी जो कि पैसों से संबंधित है। मित्रों, यह मेरा मानना है और विश्व में साबित हो चुका है, जहां जहां पैसा इन्वॉल्व है, चाहे बिजनेस हो चाहे इलेक्शन हो, वहां पर कहीं ना कहीं क्राइम के होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि हर पैसे से जुड़े काम के पीछे स्कैम होता है या क्राइम होता है, परंतु यह हमारे इलेक्शन के जब हमारे इलेक्शन की बात आती है, यह जानकारी बहुत ही बहुमूल्य है। तीसरा, आपको गूगल पर सर्च करना है घनश्याम दास पशु स्पेस बिलीव्स। बिलीव्स का मतलब होता है इसकी मान्यताएं क्या है। जब आप देखेंगे तो यह एक सब्जेक्टिव जानकारी है। इससे आप जान पाएंगे कि यह जो आपका उम्मीदवार है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वह उसकी मान्यता क्या है, वह किन किन चीजों में मानता है। उदाहरण के तौर पर कोई उम्मीदवार अगर ऐसी जगह पैसा लगा रहा है जो कि जुए का अड्डा है या दारू का अहाता है, अगर उसके विचार ऐसी शैली और ऐसे डायरेक्शन में जाते हैं तो यह सोचने का विषय है। तीसरा, थोड़ा बड़े लेवल और ब्रॉड वे में आपको एनालाइज करना है तो आप जिस पार्टी का उम्मीदवार है उस पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़िए जो कि वो इलेक्शन के पहले प्रकाशित करते हैं। जब आप उनका मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो आपको काफी 50 से 60 पॉइंट्स मिलेंगे। मित्रों, आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पर यह तय करना है कि जो आपकी मान्यताएं हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं आपके उम्मीदवार से, वह पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक परिवार चलाते हैं और आपके घर में बहन बेटियां हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए यह बड़ी प्रायोरिटी होगी कि उन महिलाओं की सुरक्षा सही है या नहीं।
अगर आपके लिए प्रायोरिटी है और आप मैनिफेस्टो में यह पॉइंट नहीं देखते हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत है कि वो उम्मीदवार इस पॉइंट पर खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि जब तक उनके मैनिफेस्टो में ही पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में यह जानकारी नहीं है तो 5 साल में पॉलिटिकल पार्टी उस चीज़ पर काम नहीं करेगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा थोड़ा बड़े लेवल का पॉइंट है, मेरा आपसे अनुरोध है कि इलेक्शन से 1 महीना पहले हो सके तो कम से कम न्यूज़ चैनल देखें। हमारे देश में करीबन 250 से 324 घंटे न्यूज़ चलाने वाले चैनल्स हैं। उनका मेन बिजनेस मॉडल है किसी भी तरह से पैसा कमाना, तो पैसा कमाने के लिए इलेक्शन के दौरान एक रणनीति अपनाते हैं। लगभग सारे न्यूज़ चैनल एग्जिट पोल्स या ओपिनियन पोल चलाते हैं। एग्जिट पोल से हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि चुनाव के टाइम लोगों का रुझान और झुकाव किस तरफ है। यह जानकारी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, परंतु इसमें एक बहुत ही बड़ा झोल है। मैं आपको बताऊंगा कि वो झोल क्या है। न्यूज़ चैनल की रणनीति रहती है कि जैसे 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं, तो एक उम्मीदवार के खिलाफ वो खराब न्यूज़ चलाएंगे और उसे कहेंगे कि यह उम्मीदवार बेकार है, इसकी पॉलिसीज खराब हैं, ऐसी ऐसी नाना प्रकार की फर्जी जानकारियां टीवी चैनल पर चालू करेंगे। उनका इससे यह मकसद है कि वह उम्मीदवार आकर्षित हो और न्यूज़ चैनल से संपर्क करे कि ऐसी नेगेटिव न्यूज़ ना चलाए। न्यूज़ चैनल उससे कुछ पैसा लेंगे ताकि उस न्यूज़ को नेगेटिव से पॉजिटिव करें। जब उनका है उनको ये पैसा मिलने लग जाता है न्यूज़ चैनल वालों को, तो वो उस उम्मीदवार के खिलाफ फेवर में एग्जिट पोल चलाते हैं। इससे दूसरा उम्मीदवार सचेत हो जाता है, वो फिर से उसी न्यूज़ चैनल को संपर्क करता है, उसी को यही जानकारी देता है कि आप मेरे बारे में पॉजिटिव जानकारी चलाएं, और फिर से न्यूज़ चैनल आप उनसे पैसा ले लेते हैं। तो मित्रों, देखा आपने एग्जिट पोल्स किस तरह से फेक और प्रोपेगेंडा हो सकते हैं। जितने भी न्यूज़ चैनल आपको जब कह रहे हैं कि एग्जिट पोल बिल्कुल ऑथेंटिक है, या तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं या फिर सुबह सिर्फ मुंह धोकर उठे हैं। एग्जिट पोल अगर बहुत डेटा बता रहे कि हमने 1000 लोगों पर यह एग्जिट पोल किया है, तो यह डेटा पॉइंट बहुत ही छोटा है। जब तक आप 1-1.5 लाख लोगों से उस क्षेत्र में बात न करें, तब तक एग्जिट पोल को आप क्रेडिबल नहीं मान सकते। एग्जिट पोल इतने तरह से फर्जी होते हैं, जिसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 2016 के अमेरिका के चुनाव में लगभग 95% न्यूज़ चैनल्स ने यह कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाएंगे। लगभग 95% लोगों ने कहा था मित्रों। इसका मतलब है कि 100 में से हर 95 लोगों ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाएंगे, ऐसा मीडिया हाउसेस ने बताया था। परंतु नतीजा आपके सामने है। इससे बिल्कुल साबित होता है कि जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेते हैं, अलग अलग लोगों से पैसा लेते हैं ताकि उनके फेवर या नेगेटिव में न्यूज़ चलाई जाए और लोगों को गुमराह किया जाए। पांचवी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, इन सब 4 पॉइंट्स को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि यार भाई, ये तो बहुत ही मेहनत का काम है। मित्रों, आपका सोचना बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल मेहनत का काम है और आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके क्षेत्र, आपके देश और आपके राज्य का सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा उम्मीदवार आए जो कि पढ़ा लिखा हो, जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, जो मैनिफेस्टो के तरह बातें करता हो और उसका पास रिकॉर्ड साफ सुथरा और अच्छा हो, और उसका पुराने रिकॉर्ड में काम को डिलीवर करने का आपको मोटिव दिखता है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है, तो ऐसे उम्मीदवार का चयन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाहे उसके लिए काफी रिसर्च करना पड़े। और रिसर्च करना बहुत आसान है मित्रों। आज के इंटरनेट के जमाने में जब आप फेसबुक, व्हाट्सएप चला रहे हैं, गूगल करने में सिर्फ आपको 2 मिनट लगेंगे, गूगल आपको सारी जानकारी देगा। आपको सिर्फ बचपन की तरह एक टेबल बनाना है, ए वर्सेस बी, जिसमें आप अपने उम्मीदवार के ए नाम लिखिए और बी नाम लिखिए, उसके अच्छे पॉइंट्स लिखिए जो आपके रिसर्च में पता पड़े हैं, उसके बुरे पॉइंट्स लिखिए जो कि पता पड़े हैं। इससे काफ़ी क्लियर कट आपको जानकारी, इससे आपको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी सुविधा होगी। मित्रों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई उम्मीदवार अगर आपसे धर्म के बारे में बात कर रहा है, तो वह उम्मीदवार आपसे ठगी कर रहा है। चुनाव का मतलब है धर्म निष्पेक्ष होना। चुनाव में कहीं भी धर्म नहीं आना चाहिए। आपको आज के ज़माने में ऐसे काफ़ी सारे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जो कि पहले किसी एक धर्म का सपोर्ट करते थे, आज दूसरे किसी धर्म का सपोर्ट कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ आपको धर्म के माध्यम से लुभाना है और आपका बहुमूल्य वोट हासिल करना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपसे संपर्क करता है, या आप टीवी पर उसके बारे में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, फलाना ढिमाका कि इस ईश्वर को पूजा कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति से सावधान हो जाइए। तो मित्रों, ये पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए और देखिए कि आपको कैसे
चयन करना है। मैं ये नहीं कहता कि किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टी ए हो, चाहे पक्ष हो, या आज के ज़माने में विपक्ष हो, मेरा मकसद यह नहीं है। मेरा मकसद है कि आप तक पारदर्शी जानकारी पहुँचे और आज के नौजवानों और सब हिंदुस्तान के सारे नागरिकों को यह हक मिले कि वह बिल्कुल सही तरह से निर्णय ले सके। यह हमारे देश का सवाल है। और जाते जाते मित्रों, मैं आपको एक बहुत ही पुरानी बात कहना चाहूँगा जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और काफ़ी सारे लोगों ने कही है कि एक वोट आप नहीं जानते कितना बहुमूल्य है। एक वोट आपको यह ताकत देता है कि आप एक सत्ता पलट सकते हैं। एक वोट से आप एक रंक को राजा बना सकते हैं और एक वोट से आप एक राजा का तख्त गिरा सकते हैं। आपके एक वोट में इतनी ताकत है और उस वोट को सही करने के लिए आपको यह उपरोक्त जानकारी की जरूरत पड़ सकती है। आप इनको देखिए और इसके बारे में एनालाइज करिए और डिसीजन लीजिए कि कौन सा उम्मीदवार सही है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? मेरी आपसे एक और उम्मीद है कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि और कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे आप निष्पक्ष रूप से यह जान पाएं कि उम्मीदवार सही है या नहीं, और कैसे आप देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, यह है धवल गिरी शो। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी सारे नागरिकों को यह जानकारी मिलेगी और वह देश के तरक्की में योगदान करेंगे। धन्यवाद।